तो कैसे हैं आप? वेलकम बैक अगेन टू फैक्ट टेक्निकल। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जिसे सुन के आपके मुंह से बस एक वक्त निकलेगा स्पीचलेस। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कुछ अच्छे और ऑसम फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर वन, मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र। आपने शायद इस ब्राउज़र का नाम कभी ना कभी तो सुना ही होगा, और हाँ, अगर आप एक पीसी यूज़र हैं तो इसे ज़रूर यूज़ भी किया होगा। तो आज मैं आपको इससे रिलेटेड एक ऐसे फैक्ट के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में आज से पहले आपने कभी सुना नहीं होगा। क्या आपको पता है कि मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र के लोगों पे हम जिस एनिमल को आज तक देखते आ रहे हैं और जिसे हम फॉक्स समझ रहे हैं, वो दरअसल एक फॉक्स नहीं बल्कि एक रेड पांडा है। हाँ, आपने सही सुना। दरअसल ज़्यादातर जन ये सोचते हैं कि इस ब्राउज़र का नाम ही मोजिला फायरफॉक्स है, तो इसके लोगों में जो एनिमल यूज़ है वो भी एक फॉक्स होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एनिमल एक फॉक्स नहीं बल्कि एक रेड पांडा है। अब आप सोचेंगे कि मुझे इसके बारे में कैसे पता? तो इस न्यूज़ को खुद फायरफॉक्स के क्रिएटर ने ऑफिशियली कंफर्म किया है। फैक्ट नंबर टू, इस फोटो को ध्यान से देखिए। क्या आपको ये कोई ड्राइंग लग रही है या फिर कोई स्केच? अगर आप इन दोनों में से कुछ भी सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि ना ही ये कोई ड्राइंग है और ना ही कोई स्केच। दरअसल ये तो बस एक सिंपल मेकअप है। हाँ, सिर्फ एक मेकअप, और इस टाइप के मेकअप को द एल्यूजन कहते हैं। और ये मेकअप एक कोरियन आर्टिस्ट डैन यून ने किया है, और ये आर्टिस्ट आए दिन अपने स्टूडेंट पर इस टाइप के मेकअप करती रहती है, जिसके कारण ये पूरी दुनिया में फेमस भी है। ना जाने इस दुनिया में और कैसे कैसे टैलेंट छुपे हुए हैं, लेकिन इसके मेकअप के टैलेंट को देख के तो सच में बता पाना मुश्किल है कि क्या ये कोई मेकअप है या ड्राइंग है या कोई स्केच है। फैक्ट नंबर तीन, इस चीज़ को ध्यान से देखिए। एक नज़र में देखने से शायद ये आपको किसी टाइप की घास लग रही होगी, लेकिन ज़रा रुकिए, क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये कोई घास नहीं बल्कि एक मेंढक है? हाँ, चौकी मत, ये एक मेंढक ही है जिसका नाम द मॉसी फ्रॉग है, और ये फ्रॉग नॉर्थन वियतनाम और चाइना में पाए जाते हैं, और ये वहाँ के पहाड़ी इलाकों और नदी के किनारे रहते हैं। अगर जंगल में कोई आदमी इन्हें पहली बार देख ले तो इनमें और घास में फ़र्क कर पाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, और साइंटिस्ट आज भी इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि क्या रीज़न है कि आखिर इन फ्रॉग की बॉडी बिल्कुल एक घास की तरह दिखती है। तो इस पे तो मैं बस एक ही चीज़ कहूँगा कि नेचर ऑलवेज अमेज्ड अस विथ हिज क्रिएटिविटी। फैक्ट नंबर फोर, लुई वेटिन। ये एक ऐसी फ्रेंच कंपनी है जिसने आज तक अपने कंपनी के प्रोडक्ट को कभी सेल पे नहीं रखा, लेकिन केवल ये बात इसे खास नहीं बनाती। दरअसल ये कंपनी अपने ईयर एंड के टाइम पे अपने सारे बचे हुए स्टॉक को जला देती है। हाँ, आपने सही सुना, ये कंपनी अपने स्टॉक को जला देती। अब आप सोचेंगे ये कैसी कंपनी की जो अपने स्टॉक को जला दी? दरअसल इस कंपनी का कहना है कि अपने प्रोडक्ट को सेल में लगाकर उसकी वैल्यू गिराने से अच्छा तो उसे जला देना ही है। मतलब हम अपने प्रोडक्ट को जला देंगे लेकिन आपको हम अब कम दाम पे नहीं बेचेंगे। वाह यार, इस कंपनी का तो स्वैग ही अलग है। लेकिन ये बात आप जान के हैरान हो जाएंगे कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी इस कंपनी का क्रेज पब्लिक में बिल्कुल वैसा का वैसा बना हुआ है, और पब्लिक इनके प्रोडक्ट के लिए आज भी मुंह मांगे दाम देने के लिए रेडी है। फैक्ट नंबर फाइव, आज मैं आपको जापान के बारे में एक मस्त फैक्ट बताऊंगा। क्या आपको पता है कि जापान में 90% फ़ोन वाटरप्रूफ होते हैं? अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? दरअसल एक सर्वे से पता लगा कि वहाँ के मोस्टली हर एक यंगस्टर को सावन में भी फ़ोन यूज़ करने की आदत है, और इसी बात को ध्यान रखते हुए वहाँ के मोबाइल कंपनियों ने भी अब वाटरप्रूफ प्रूफ सेट निकालना शुरू कर दिया, जिससे वहाँ के यंगस्टर सावर के टाइम पर भी अपने फ़ोन को आराम से यूज़ कर पाए। लेकिन यार, सावर के टाइम पर कौन फ़ोन यूज़ करता? मतलब इतना फ़ोन का एडिक्ट कौन होता है? फैक्ट नंबर सिक्स, बिटकॉइन। ये नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता ये बिटकॉइन क्या है, मैं उन्हें बता दूं कि ये बिटकॉइन एक ऑनलाइन करेंसी है जिसे आजकल ट्रांजैक्शन में यूज़ किया जा रहा है, और ये करेंसी आजकल मार्केट में बहुत चर्चे में भी है, और लोग आजकल इस मार्केट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी दिखा रहे, क्योंकि आज की डेट में एक बिटकॉइन की वैल्यू कुछ 6,95,470.46 रुपीज़ है, अगर हम इसको अपने इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो। मतलब आप सोच सकते हैं कि आज के डेट में एक बिटकॉइन का कितना वैल्यू है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो इतना महंगा बिटकॉइन है उसका सबसे पहला ट्रांजैक्शन किस चीज़ के लिए हुआ था? तो मैं आपको बता दूं कि आज से कई साल पहले सबसे पहले इस बिटकॉइन को यूज़ किया था एक आदमी ने, वो भी सिर्फ एक लार्ज डबल चीज़ पिज़्ज़ा ख़रीदने के लिए। हाँ, आपने सही सुना, इस बिटकॉइन से सबसे पहला ट्रांजैक्शन हुआ था पिज़्ज़ा ख़रीदने का, और उस आदमी ने एक पिज़्ज़ा के लिए उसको 10,000 बिटकॉइन दिए थे। मतलब एक बिटकॉइन का दाम कुछ 7 लाख के लगभग है, जैसा कि मैंने आपको बताया 6,95,000 एंड ऑल। तो उस आदमी ने आज से कम 20 साल पहले एक पिज़्ज़ा के लिए खाली उसे 10,000 बिटकॉइन दे दिए थे। मतलब जिसको मिला होगा ये बिटकॉइन उसकी तो लॉटरी लग गई यार। फैक्ट नंबर सेवन,
जीमेल आज के डेट में 90% लोगों का अकाउंट है जीमेल में। लेकिन क्या आपको पता है कि जीमेल लॉन्च कब हुआ था? तो मैं आपको बता दूं, जीमेल लॉन्च हुआ था 1 अप्रैल 2004 को। और जब ये लॉन्च हुआ था तब बहुत लोगों ने ये सोचा था कि लगता है गूगल हमारे साथ कोई प्रैंक करे, मजाक करे, क्योंकि उन्होंने 1 अप्रैल को रिलीज़ किया था। तो जब उन्होंने जीमेल इंट्रोड्यूस किया तो बहुत लोगों ने सोचा कि ये फेक न्यूज़ है और गूगल हमारे साथ मजाक कर रहा है। फैक्ट नंबर 8, शेर की दहाड़ तेज होती है, लेकिन कितनी तेज, क्या ये कभी आपने सोचा है? तो एक स्टडी से पता लगा कि शेर अगर अपनी फुल पावर से दहाड़े तो उसे 8 किलोमीटर दूर से भी सुना जा सकता है। मतलब आप सोचिए कि शेर की दहाड़ कितनी तेज है कि लोग 8 किलोमीटर दूर से भी उसे सुन सकते हैं। सच में ये फैक्ट सुन के तो मेरे मुँह से बस एक वर्ड निकलता है, रियली। फैक्ट नंबर 9, समुद्र। हम ह्यूमंस आज तक पूरे समुद्र के कुछ 1% हिस्से को ही समझ पाए हैं। अब चाहे वो उसमें रहने वाले जानवरों और मछलियों के बारे में हो या फिर उसमें उगने वाले पौधों के बारे में, लेकिन एक रिसर्च से ये पता लगा है कि हमारे समुद्र में इतना सोना है कि अगर उसे हम इस दुनिया के सारे लोगों में भी बांटे तो सबके पास कम से कम 4 किलो से ज़्यादा सोना आएगा। मतलब मैंने आपको अभी बता दिया हम ह्यूमंस आज तक कुछ 1% हिस्से को समुद्र के समझ पाए हैं, और उसके बावजूद भी इसके अंदर जो भी रिसर्च है उसके हिसाब से इसमें इतना सोना मिला है कि अगर उसे हम ह्यूमन सब मिलकर बांटेंगे एक साथ तो भी पर पर्सन 4 kg से ज़्यादा सोना सबको मिलेगा। फैक्ट नंबर 10, ये फैक्ट हमारे प्यारे यूनिवर्स के बारे में। क्या आपको पता है कि हमारे पूरी धरती में जितने रेत के दाने नहीं हैं उससे कई लाखों गुना ज़्यादा इस यूनिवर्स में तारे हैं। मतलब सोचिए, जब अगर हम एक मुट्ठी भर के रेत उठाते हैं तो उसमें कितने लाखों और करोड़ों दाने होते हैं रेत के। और साइंटिस्ट का मानना है कि जितने हमारे पूरी धरती में रेत के दाने हैं उससे कई लाखों गुना ज़्यादा पूरे यूनिवर्स में तारे हैं। तो मतलब सोचिए हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है और अपने अंदर कितने सारे राज छुपाए बैठा है। और हाँ, अगर आपको स्पेस से जो ऐसी ऑसम फैक्ट के बारे में जानना है तो ऊपर आपको आई बटन में मेरी एक वीडियो का लिंक दिख रहा होगा, आप उसमें अभी क्लिक करके देख सकते हैं। आपको उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे ऑसम फैक्ट मिलेंगे रिलेटेड टू आवर स्पेस। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए, मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।